बॉलीवुड एक्टर प्रवीण डब्बास को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रवीण डब्बास के कार का एक्सीडेंट हो गया है। सुबह सुबह ही प्रवीण डब्बास के साथ बेहद बुरा हादसा हुआ और इस एक्सीडेंट में प्रवीण डब्बास बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जैसे ही प्रवीण डब्बास के एक्सीडेंट की खबर आई तो फैंस भी चिंता में आ गए हैं और सभी एक्टर के लिए दुआ कर रहे हैं। वही खबरों की माने तो प्रवीण डब्बास की हालत बेहद नाजुक है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान प्रवीण खुद कार ड्राइव कर रहे थे। हालांकि एक्टर के साथ ये हादसा कब और कहां हुआ इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है और एक्सीडेंट के बाद उन्हें होली क्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रवीण डब्बास की वाइफ प्रीति ने मीडिया को लेटेस्ट अपडेट भी दी है। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, इस एक्सीडेंट से मैं और पूरी फैमिली शॉक्ड है। समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये क्या हो गया। एक्टर की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट की माने तो प्रवीण को सीरियस कंसर्शन हुआ है, यानी कि उनके सर में गंभीर चोट आई है, लेकिन अभी वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर उनकी फैमिली काफी चिंता में है। आपको बता दें कि प्रवीण ने दिल लगी, मॉनसून वेडिंग, घोसला का घोसला, कुछ मीठा हो जाए, रागनी, MMS 2 जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वेल, प्रवीण के फैंस की यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।